उत्तम पात्र को दिया गया आहार दान ही श्रेष्ठ दान है, यही आत्मिक शांति का मार्ग है। जय जिनेन्द्र, स्वागत है आपका जैन शुद्ध व्यंजन में। आज हम बनाने जा रहे हैं परवल की मिठाई, तो आइए इसके लिए हम चलते हैं श्रीमती दीप्ति प्रवीण कुमार जी जैन के यहाँ पर, और आज उनसे सीखते हैं परवल की मिठाई। आप सभी का स्वागत है, आज हम बनाएंगे परवल की मिठाई। हमने इसके लिए लिए है आधा किलो परवल, ये है परवल। मैं इनको आपको छिलकर बताती हूँ क्या क्या करना। इन्हें हमने धो करके तैयार कर लिया है। अब मैं छिल करके अब हम इसका बीच में से सीधा लगाइए चाकू की सहायता से, पूरा अंदर का भाग खाली कर देंगे। ये बीचे हम इनको निकाल देंगे। ये हमारे आधा किलो परवल है। अब हम इनके आगे की प्रोसेस करेंगे। एक तपेली लेंगे, गैस पे चढ़ाएंगे और इसमें हम डालेंगे पानी। गिलास से लेंगे, इन पानी को हमने अब उबलने रख दिया है। परवल को हम इसमें कम से कम ये 60% हो जाए इतना हम इसको बॉइल करेंगे। 10 से 15 बादाम भीजी हैं, उन्हें हमने बारीक बारीक टुकड़ों में कर लिया है तैयार। ये मेरी काजू है, उसको भी मैंने 10-15 काजू को भी टुकड़े कर लिए हैं। ये कुछ थोड़ी सी किशमिश है और ये है भरने के लिए मिक्स कर लूंगी। इसमें मैंने डाल दिया खोपरा पूरे में, इलायची, किशमिश, बादाम की बीजी, काजू। मावे का भी उपयोग कर सकते हैं, खोपरे की जगह आप मावा यूज कर लो। अगर आप मावा यूज न करना हो आपको, मेरे यहाँ मेरे बच्चों को खोपरे का ज्यादा पसंद है तो मावा कम पसंद कर। जब तक हमारे परवल भी उबल गए हैं उसको तो देख लेते हैं एक बार इसमें चला करके हुए या ना हुए। देखिए इनका कलर कितना अच्छा खिल करके आया है, अभी ये थोड़े से नहीं हुए हैं। दो कप खांड शुगर में एक कप छना हुआ जल डालकर हम इसे इस तरीके से मेल्ट कर लेंगे। देखिए ये मेल्ट हो गई है। अब इसको थोड़ी से मेल्ट होने के बाद हम इसे छान लेंगे जिससे इसके ऊपर की अशुद्धियां सारी निकल जाएंगी। उसके बाद हम इसमें परवल डालेंगे। प्यारा कलर आया है ग्रीन कलर और पक भी चुके हैं अच्छे से। अब हम कर देंगे गैस को ऑफ और अब ये परवल निकाल करके हम 5 से 7 मिनट तक इसे हम ऐसे ही बॉईल करेंगे चाशनी में, ताकि ये हमारे जो आगे के बचे हुए परवल जो 60% हुए थे अब इनको हमें कम से कम 100% तक इसमें पकाना है चाशनी में। तो ये देखिए 5 से 7 मिनट बाद मैं वापस चेक करने आई हूँ परवल कि मेरे हुए हैं या नहीं। तो हमने सारे परवल निकाल लिए हैं, अब हम इसे थोड़ी देर रख देंगे ताकि चाशनी पूरी नितर जाए। टैंक में भरेंगे इस प्रकार से। सबसे पहले इसे अंदर अच्छे से पूरा भर दें, पूरा एक भर दीजिए अच्छे से ताकि ये आपको कुछ भी सूखा सूखा नहीं लगे। उसके बाद इसको इसके आजू बाजू अच्छे से पूरा खोपरे की लगा दीजिए। ये पूरा भरने के बाद कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ये देखिए जैसे हमने सारे भर लिए परवल, इसमें किसी भी प्रकार का एनिमल प्रोडक्ट यूज नहीं किया गया। यह बहुत ही हेल्दी और पौष्टिक है। परवल जो है वो बालों के लिए बहुत अच्छा होता है और जो नारियल है उसमें भरपूर कैल्शियम फाइबर्स होते हैं। दूध के सभी गुण हमें इसमें नारियल में मिल जाते हैं, तो ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी मिठाई है। इसकी मर्यादा मात्र 1 दिन की है, इसलिए आप मर्यादा का ध्यान रख के इसको ज़रूर बनाएं। नारियल में पाए जाने वाले पोषक तत्वों की जानकारी के लिए आप नारियल का जूस वाले वीडियोस अवश्य देखें। जय जिनेन्द्र।